जा रही हूँ टू व्हीलर ड्राइविंग सीखने के लिए। कार में अभी नहीं सीखूंगी, पहले मैं स्कूटी सीख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कार सीखूंगी। तो साइकिल तो मुझे आता है, लेकिन मुझे स्कूटी जो है बहुत डर लगता है चलाने में। कि मतलब साइकिल भी मैं अंदर ही चला सकती थी, बाहर नहीं चला सकती, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है। तो अभी लेकिन मम्मी पापा मुझे बोल रहा है कि सीखो सीखो, मतलब कहीं पर जाना होगा तो अकेला जाओ ऐसे सीखो, तो इसलिए मैं सीखने के लिए जा रही हूँ। देखते हैं कि आज कितना सीख पाती हूँ। मुझे डर तो इतना लग रहा है, मतलब कार में मुझे सीखना उतना डर नहीं लगता क्योंकि कार तो अंदर अंदर है, बट फिर भी कार का अभी तक अलाउ नहीं है। मैं पहले स्कूटी सीख लेती हूँ, उस पर अगर उसको आ जाएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद ही कार सीखूँगी। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग देखते रहिएगा। तो चाहते हैं चलो एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढ रहे कहाँ पे सीखेगा, क्योंकि फील्ड में सीखने से ज़्यादा अच्छा होता है। रास्ते में डायरेक्टली नहीं सीख सकता, सबको मुश्किल होता है। जो मतलब जिनको आता है थोड़ा सा और सीखने में डर नहीं लगता है, उसके लिए इजी है। मौसम काफ़ी अच्छा है शायद। एरिया में फील्ड ही फील्ड, कितना फील्ड देखना है। डर लग रहा है। तो गाइस लोकेशन पे पहुंच गया है, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा है कहीं सीख के मेरा पैर ना टूट जाए। तो मेरा डांस का क्या होगा, मेरा घूमना जगह तो अच्छा लग रहा है, आई होप कि कुछ ना हो। मतलब मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ऐसा टू व्हीलर वाला सीखूँ। लाइक सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना, कि कौन क्या सीखेगा कौन नहीं। तो ऐसा टू व्हीलर में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है सीखती हूँ। तो गाइस मैं पहले सीख लेती हूँ, और अगर सीख गया तो आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, और नहीं सीखा तो डायरेक्ट घर पे मिलते हैं। आते समय भी थोड़ा थोड़ा चला के आया मेन रास्ते से, तो मैं वीडियो बनाना भूल गया और मैं डायरेक्ट अपने दोस्त के साथ आ गई। कुकरजनी तो खंगा रे गा रे बाजार सिंह खांगना ने लास्ट तक कुकरजर वो इस नंग ना ने मजाक बन बाई। जंगल जंगल अभी साफ हो गया, तो मम्मी दे लाने लास्ट तो बेम कुछ ना हो जाना।